तो हमने संकेत किया कि हम लोगों के कार्य की वो शैली है कि प्रचार न होने पर भी अंतरंग बहुत प्रचार है। तालिबान आदि भी हमारे इन कार्यक्रमों को सुनते हैं, रूस आदि में भी कार्यक्रम सुना जाता है। पूरे विश्व की आस्था ही नहीं, पूरे विश्व के आकर्षण का केंद्र यह मठ बना हुआ है। साथ ही साथ यह भी दृष्टि है कि यह मठ अगर अपने लक्ष्य को पूर्ण कर लेता है, किसी आधुनिक तंत्र की दाल नहीं गलेगी। लेकिन हम अपने क्षेत्र को भी संभालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो बंगाल के सज्जन आए थे, उनसे कहा कि आप बंगाल परंपरा के हैं, हमको जगह जगह पहुंचाने का बंगाल में प्रयास कीजिए। लेकिन हमने बंगाल को न छू करके भी 18 वर्ष हो गए ना, गंगा सागर में शिविर लगाना शुरू किया, तो बंगाल को हृदय को तो पकड़ लिया तीर्थ स्थान के लिए। और हमारी भावना थी कि ज्योतिर्वसु का शासन टूटना चाहिए, ज्योतिर्वसु जीवित होते तो वहाँ करते। हमसे टकराए थे, हमको कहीं हम बंगाल में पाँव न रखें ऐसी उन्होंने योजना बनाई थी। वेद कांड के नाम पर षड्यंत्र रचा था, मुट्ठी उनको खानी पड़ी। बंगाल में कम्युनिस्टों का शासन टूट गया, क्यों यह रहस्य माया को ममता बनर्जी को नहीं मालूम, लेकिन ज्योतिर्वसु को मालूम था। नवीन हैं वहाँ, नीतीश जी को नहीं मालूम कि बिहार में अमुक का शासन क्यों टूटा, लेकिन जिनका शासन टूटा उनको मालूम। बड़ी सभा में हमने कह दिया था इतने दिन में यह शासन टूटेगा, उसी दिन टूटा भी। इसका मतलब है कि कार्य करने की अपनी विधा है, लेकिन बाह्य दृष्टि से भी प्रचार प्रसार अपेक्षित है, उसका प्रयास चल रहा है। अब श्रीमद् भागवत स्कंद 6 अध्याय 15 23वां श्लोक। सर्वे पिशूर सेने में शोक मोह भयार्तिदा गंधर्व नगर प्रख्या स्वप्न माया मनोरमा दृश्यमाना विनार्थे न दृश्यन्ते मनोभवा कर्मभिर् ध्यायतो नाना कर्माणि मनसो भवन अयम हि देहिनो द्रव्यो द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक देहिनो विविध क्लेश संताप कृदोदारिता तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिमात्मनः द्वैते ध्रुवार्थ विश्रम्भम् त्यजो त्यजो पश ममाविष। अंगिरा जी ने कहा ऐशूरसेन जितने सगे संबंधी हैं उनमें अहंता ममता जीवशिष्ट द्वैत प्रपंच है। इन सगे संबंधियों के चपेट में आकर जीव शोक मोह भय दुख के चपेट में पड़ते हैं, इनके भाजन बनते हैं। ये सब तो मन के खेल खिलौने हैं, सर्वथा कल्पित हैं। स्वप्न माया मनोरथा गंधर्व नगर प्रख्या, गंधर्व नगर के समान वस्तुतः सत्य नहीं है। देखने में रम्य मालूम पड़ते हैं, लेकिन स्वप्न प्रपंच मायिका प्रपंच गंधर्व नगर मनोरथ की दशा में जो मनोराज्य उसके समान ये सारहीन सर्वथा मिथ्या है। इसलिए पंचदशी में कहा गया ईश शिष्ट द्वैत प्रपंच जीव के बंधन में हेतु नहीं है, वह तो सृष्टा परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग ही प्रशस्त करता है। वेदांत प्रस्थान के अनुसार यह जगत सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की अभिव्यक्ति है, उनका अभिव्यंजक संस्थान है, तथापि स्वतंत्र रूप से वर्णन करने योग्य नहीं है। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की उपेक्षा करके जिनके कारण जगत को सत्ता चित्ता प्रियता प्राप्त है, उन परमात्मा को वरण न करके जो
जगत का ही वर्णन करते हैं, वे जन्म और मृत्यु के अजस्र ग्रास बने रहते हैं। ऐसी स्थिति में सृष्टि की संरचना का प्रयोजन सृष्टा सर्वेश्वर तक मन को पहुंचाने में सन्निहित है। सृष्टि को रमण करने के लिए नहीं बनी। सीढ़ी का, जीने का, नौका का, जलयान का आलम्बन लेकर हम गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। जलयान ही, सीढ़ी ही, नौका ही कोई गंतव्य नहीं है। ठीक इसी प्रकार यह सृष्टि स्वतंत्र रूप से वर्णनीय नहीं है। सृष्टि में भी विचित्रता है। अर्जुन ने कहा, बहुत अच्छा गीता का प्रसंग है, केशु केशु च भावेशु चिंत्योसि भगवन मया। प्रभो आप तो निर्गुण निराकार सदघन चिदघन आनंद घन सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है। मन नाम रूप लीला धाम का आलम्बन लिए बिना या शब्द स्पर्श रूप रस गंध का आलम्बन लिए बिना भटकता रहता है। आप तक तो मन को सहसा पहुंचा पाना ही कठिन है। इसीलिए सूर्य बाबा ने कहा, निरालंब मन इतुत धावे। प्रभु आप हैं सच्चिदानंद, सजाति विजाति सुगत भेद शून्य, देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन। इस तथ्य को मैं सुनता हूँ, जानता हूँ, लेकिन आपके निर्गुण निराकार निर्धर्मक स्वरूप का जब चिंतन करने लगता हूँ, तब न नाम का, न रूप का, न लीला का, न धाम का आलम्बन प्राप्त होता है। न शब्द का, न स्पर्श का, न रूप का, न रस का, न गंध का आलम्बन प्राप्त होता है। बिना आलम्बन किया मन भटक जाता है। निरालंब मन इत उत धावे। लेकिन आप ही जब निरावरण ब्रह्म श्री कृष्ण के रूप में उच्छलित हैं, व्यक्त हैं, तब मन को मुदमयी लीला का, मुदमय धाम का, नाम का, रूप का आलम्बन मिल जाता है। ऐसी स्थिति में सूर सगुण लीला पद पद गावे। आप तक पहुंचने के लिए आपका ही जो निरावरण स्वरूप है, सगुण साकार छल छवीले नटनागर सरीखे परिलक्षित श्री कृष्णचंद्र रूप में जब आप हैं, तो आपके नाम रूप लीला धाम का आलम्बन लेकर सुगमता पूर्वक हम आपके निर्गुण स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, केशु केशु च भावेशु चिंत्योसि भगवन मया। वस्तुसार, क्रियासार, भावसार का नाम है सज्जनों विभूति। विभूति के भेद कितने हैं? कोई वस्तुसार है, कोई भावसार है, कोई क्रियासार है, उसी का नाम विभूति। तो सृष्टि में भी जो वस्तुसार, क्रियासार, भावसार है, भगवान की विभूति के रूप में, विशिष्ट अभिव्यक्ति के रूप में ख्याति प्राप्त है। गीता के 15वें अध्याय के अनुसार सूर्य चंद्र और अग्नि का नाम लिया गया, यदादित्य गतम तेजो जगत भाषय ते खिलम। यहाँ सूर्य चंद्र और अग्नि, भगवान शंकराचार्य ने कहा कि सात्विक अभिव्यक्तियाँ हैं। उन सात्विक अभिव्यक्तियों का आलम्बन लेकर भगवान तक व्यक्ति पहुंच सकता है। इसीलिए अर्जुन ने कहा, केशु केशु च भावेशु चिंत्योसि भगवन मया। किस किस भाव का, वस्तु का, पदार्थ का आलम्बन लेकर, क्रिया का आलम्बन लेकर आप मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं, तो जगत भी परोवरीय क्रम से, उत्कृष्ट क्रम से, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट क्रम को पकड़ कर भगवान तक पहुंचाने में समर्थ है। छांदोग्य उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद की प्रक्रिया का आलम्बन लें, पार्थिव प्रपंच का आलम्बन लेकर पृथ्वी तक पहुंच गए। सीढ़ी का काम किया या नहीं पार्थिव प्रपंच ने? पृथ्वी का आलम्बन लेकर जल तक पहुंच गए, जल का आलम्बन लेकर उससे सन्निकट निर्विशेष तेज तक पहुंच गए, तेज का आलम्बन लेकर उससे सन्निकट निर्विशेष वायु तक पहुंच गए, वायु का आलम्बन लेकर उससे सन्निकट निर्विशेष आकाश तक पहुंच गए, आकाश का आलम्बन लेकर विशेषता की बीजावस्था अव्याकृत या अव्यक्त या प्रकृति तक पहुंच गए,
प्रकृति का आलंबन लेकर विशेषता की बीजावस्था का त्याग कर साक्षात परमात्मा तक पहुंच गए, सिद्धि का काम किया। या महाभारत में लिखा जिस क्रम से उत्पत्ति होती है उसके ठीक विपरीत क्रम से प्रलय संहार होता है। तो हम जहाँ हैं वहाँ से आगे उठने का प्रयास करें तो यह जगत अपने आप में सोपान का काम करेगा। केशु केश भावेशु चिंत्योसि भगवन मया, इस प्रकार से जगत का आलंबन लेकर जगदीश्वर तक पहुँच सकते हैं। लेकिन महाभारत में कहा गया, लक्ष्मी जी ने कहा, जो नारायण को न चाहकर मुझको चाहते हैं मैं स्वप्न में भी उन्हें सुलभ नहीं होती। धन आदि बटोर भी लें तो उनको धन के माध्यम से ही पटक देती हूँ। मैं उनकी ओर बिल्कुल नहीं निहारती जो मुझे लक्ष्मी के पतिदेव श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम से विमुख होकर मुझे चाहते हैं। सृष्टि रूठ जाती है उसके प्रति जो सृष्टा परमात्मा को ताक पर रखकर सृष्टि को चाहता है। लक्ष्मी जी ने किसका वरण किया? नारायण का। क्यों नारायण का वरण किया? जो जो उसे चाहते थे सब में दोष निकाल दिया। जो जो लक्ष्मी जी को चाहते थे सब में दोष निकाल दिया। मस्त मौला तांड पट्टा लेते हुए भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी उपराम थे, उनके गले में जयमाल डाल दिया। लक्ष्मी जी ने वरण किसका किया? श्रीमन नारायण का। आज भी जो कुलीन देवियां होती हैं, कुमारी कन्या, वो सोचती हैं कि पत्नी बनाऊं या पति। भाषा कुछ उठपटांग है, पत्नी क्या पत्नी बनाएगी, लड़की क्या पत्नी बनाएगी, लेकिन सोचती ऐसी हैं, पत्नी मुझे चाहिए या पति। भाषा कुछ उठपटांग है। आजकल पढ़ी लिखी लड़कियां कुमारी हैं तो सोचती हैं पत्नी बनाऊं या पति। पहला मन कहता है कि जो दास बन के रहे अर्थात मुझे पत्नी की पत्नी बन के रहे उसी से विवाह कर लो, वो विवाह टिकता नहीं है। लेकिन दूसरा हेतु है, नहीं नहीं जो पति चाहिए ना मुझ पर, मैं किसी की पत्नी बनूं, किसी को पत्नी बनाने के लिए थोड़े हमको भगवान ने स्त्री शरीर दिया है। तो वो पति का वरण करती है, जीवन भर संबंध टिक जाता है, लक्ष्मी नारायण का संबंध हो जाता है। एक विचित्र बात है, क्योंकि पत्नी बनूंगी तो अनुगमन करूंगी, पति में नारायण की बुद्धि करूंगी। अगर पत्नी होकर पत्नी बना लिया तो ये सुदर्शन जी आरएसएस के सर संचालक थे, बड़े विनोदी थे और मेरे पास बैठते थे एक घंटा से कम नहीं। जब तक सर संचालक रहे 9 बार आए, सर संचालक नहीं रहे तो अभी भोपाल में जब रहते थे तो 1.25 घंटे मेरे पास बैठे। एक बार विनोद में कहा उन्होंने, महाराज प्रतिभा पाटिल जी के जो पतिदेव हैं जगह जगह कहते हैं, उन्हें कोई संकोच भी नहीं होता कि मैं राष्ट्रपति का पति हूँ। प्रतिभा पाटिल महिला शेखावत जो थे राजस्थान परंपरा के, वो प्रतिभा जी जो थी महाराष्ट्र परंपरा के, उनके पति वृंदावन आदि भी जाते थे उनका कार्यक्रम बनाने, तो कहते थे मेरा परिचय आप लोग सुन लीजिए, मैं राष्ट्रपति का पति हूँ। तो राष्ट्रपति का भी पति खूब हंसाते, खूब हंसते भी थे, खूब हंसाते भी थे। उनको बहुत से तथ्य मालूम था, बहुत सा तथ्य मालूम था। पहले बौद्धिक प्रमुख रहे थे, वो कहते थे महाराज ईसा मसीह को फांसी के फंदे पर चढ़ा तो दिया गया तख्ते पर, लोग चले आए कि मर ही जाएगा, मर ही गया, लेकिन वो जीवित थे। किसी तरह से वो उस फंदे से मुक्त होकर भग कर अज्ञातवास में चलते चलते कश्मीर आ गए। सचमुच में ईसा मसीह की समाधि जहाँ अंतर्निहित हुए वो जम्मू कश्मीर में, भारत में। गुप्त रहस्य, बहुत से गुप्त रहस्य जानते थे, बताते भी थे। सच्ची बात तो यही है। तो हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि सृष्टि को जो चाहता है
सृष्टि उससे दूर भागती है और दरिद्रा के रूप में प्राप्त होती है। पहले लक्ष्मी लगती है सृष्टि, बाद में दरिद्रा के रूप में वह परिणत हो जाती है। अरे छाया को बटोरने चलोगे तो छाया हाथ लगेगी क्या? आप चलो अपनी मस्त चाल से, छाया आपका अनुगमन करेगी, कभी अगल कभी बगल, कभी आगे कभी पीछे होकर। आज हर व्यक्ति का जीवन प्रायः व्यर्थ जाता है। क्यों व्यर्थ जाता है? द्वंद्वों से युद्ध करने के लिए ही सारे आविष्कार होते हैं। एक से एक उन्नत आविष्कार होकर क्या करते हैं? व्यक्ति को द्वंद्व सहिष्णुता से वंचित कर देते हैं। उदाहरण के लिए, सर्दी लगी तो धीरे धीरे हीटर तक पहुंच गए, गर्मी लगी तो हाथ पंखा से नहीं काम चला, फिर यह पंखा, पहले तो अंगोछा गमछा से काम नहीं चला तो हाथ पंखा, चलो यहाँ तक ठीक, उसके बाद यह, इसके बाद फिर कूलर का युग आया, वो क्या, हाँ फ्रिज क्या, वो क्या, वो हाँ कूलर का, ठीक है का, कूलर का युग आया। अब कूलर को कुछ नहीं गिनता है व्यक्ति, अब चाहिए एसी। अब एसी की सहिष्णुता हो जाएगी तो कौन सा आविष्कार होगा, समझ गए ना? सर्दी से जूझो, गर्मी से जूझो, मित्र से चिपको, शत्रु से निपटो, सारा प्रयत्न क्या है, द्वंद्वों से जूझने में जीवन समाप्त हो जाता है। द्वंद्वों से युद्ध करके द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करने की भावना कोरी विडम्बना उसी प्रकार है जिस प्रकार छाया से युद्ध करके छाया पर विजय प्राप्त करने की भावना। उचित प्रक्रिया का आलंबन लेकर द्वंद्व का तात्कालिक सामान्य शमन करना चाहिए और आत्मा जो द्वंद्वातीत है उस पर दृष्टि रख करके द्वंद्व के बीज को भी जलाने का प्रयास करना चाहिए। इस दिशाहीन वैज्ञानिक युग, दिशाहीन में क्यों कहता हूँ, श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के आधार पर बोल रहा हूँ। जब बुद्धि में तमोगुण या रजोगुण का उद्रेक होता है, हमारी आपकी बुद्धि या किसी की बुद्धि रजोगुण तमोगुण के चपेट में आ जाती है, तब जिस ज्ञान विज्ञान का उद्भव होता है उसका नाम क्या है? तामस राजस। तमोगुण की प्रगल्भता से, रजोगुण की प्रगल्भता से जो ज्ञान विज्ञान उदित होता है, उसके लिए भगवद गीता के 18वें अध्याय में क्या कहा गया? तमोगुण की प्रगल्भता की दशा में जो ज्ञान विज्ञान उद्भुत होता है उसका नाम है सर्वथा विपरीत। रजोगुण की भूमिका में जो ज्ञान विज्ञान उद्दीप्त होता है उसका नाम अयथावत प्रजानाति, मैंने सर्वथा यथार्थ भी नहीं, सर्वथा अयथार्थ भी नहीं। सत्गुण की प्रगल्भता में जो ज्ञान विज्ञान उदित होता है वो दूध का दूध, पानी का पानी। पूरे विश्व में जितने आविष्कार हैं प्रायः, जितने वैज्ञानिक हैं आजकल या रहे हैं 100 वर्षों से, उनकी गाथा गीता के आधार पर क्या है? सर्वथा विपरीत बुद्धि उनको प्राप्त हुई। तमोगुण की प्रगल्भता की दशा में उद्भूत विज्ञान का आलंबन लेकर जो भी आविष्कार उन्होंने किया, उस आविष्कार से विकास होता हुआ परिलक्षित हुआ, उस विकास के गर्भ से विस्फोट निकल आया। इसलिए आधुनिक विज्ञान जो है वो तमोगुण की प्रगल्भता से समुद्भूत होने के कारण विकास के गर्भ से विस्फोट निकाल सकता है। इस विषय को ज़्यादा न बढ़ाकर जल्दी झटपट बात समझ में आ जाए, एक उदाहरण देते हैं। नारद परिव्राजक उपनिषद का एक वचन मनुस्मृति में उद्धृत है, धृति क्षमा दमोस्ते। धर्म के 10 लक्षण हैं, उसमें पहला है धृति। धृति का अर्थ संतोष भी होता है, धैर्य भी होता है। गीता के 18वें अध्याय में धृति का 3 विभाग बताया गया। धृति माने धैर्य। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए सात्विकी धृति आवश्यक है। अब विज्ञान का पहला उपहार क्या है जी? आधुनिक विज्ञान का पहला उपहार क्या है? धृति का विलोप। ऐसा जीवन बना दिया आधुनिक विज्ञान ने
और वैज्ञानिकों ने कि धर्म के मार्ग पर चलने योग्य जीवन किसी का रह गया क्या, ये पतन हुआ या विकास हुआ। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, पंचदशी में तीन शब्द एक साथ आए हैं, श्रुति युक्ति अनुभूति, समस्त पद श्रुति युक्ति अनुभूति। कुछ गुरुदेव ने हमसे कहा भविष्य में नास्तिकता बढ़ेगी, श्रुति का नाम लेने से ही व्यक्ति हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में तुमको मैं प्रेरणा देता हूँ, मेरी बात गांठ बांध लो, श्रुति युक्ति अनुभूति, आजकल की भाषा में दर्शन विज्ञान और व्यवहार, तीनों में सामंजस्य साध करके बोलना लिखना, पूरा विश्व चरणों में झुकेगा, क्योंकि इससे प्रबल अस्त्र कोई हो ही नहीं सकता है। क्या जो बात श्रुति युक्ति अनुभूति तीनों में सामंजस्य साध करके लिखी या कही जाती है, विश्व में कोई उसका खंडन कर नहीं सकता, उसकी उपेक्षा करके कोई सुरक्षित नहीं रह सकता है। ये भी एक बहुत ऊंची बात है, पूरे विश्व में आज भी मेरा अर्थ हारमाम चमड़ा नहीं है, चर्म नहीं है, मेरा अर्थ है सनातन ज्ञान विज्ञान से संपन्नता। आज भी वैचारिक धरातल पर कोई तंत्र टिक सकता है क्या, जब मैं धर्मसंघ की पुरानी भाषा में बोलूँ तो, आज भी विश्व का कोई वैचारिक तंत्र सनातन विचार के आगे टिक सकता है दो मिनट भी? लाठी गोली बम बारूद की बात तो छोड़ दीजिए, सच्ची बात है कि श्रुति युक्ति अनुभूति में सामंजस्य साध करके जो बात कही जाती है उसके सामने कोई वैचारिक तंत्र टिकता नहीं। वैचारिक धरातल पर आज भी हम विजयी हैं, विश्व विजयी हैं, सनातन धर्म विश्व विजयी है, लेकिन वो वैचारिक धरातल पर जो हम विजयी हैं उसको व्यवहार में उतारने की आवश्यकता है। तो हमने क्या संकेत किया, जितने भौतिकवादी हैं वो सब मान रहे हैं, अभी समझ में नहीं आया होगा पूरा, वैज्ञानिक चमत्कृति का पहला उपहार है आजकल धृति का विलोप। हम हो या सिरहाने के पास क्या चाहिए, पानी, पाँव के पास क्या चाहिए, मलमूत्र त्यागने का स्थान, दो कदम रखते ही क्या चाहिए, मोटरसाइकिल, कार, इसका मतलब क्या हुआ, हम हो या आप, फिर क्या होगा जी, हुआ क्या जी, धर्म के मार्ग पर चलने की योग्य धृति को रहने दिया क्या, किसी के जीवन में नहीं है। यहाँ तक कि आजकल कोई भी क्रांति सफल क्यों नहीं होती, क्रांति बन ही नहीं पाती है, अन्ना हजारे जी हो या कोई भी हो, 15 महीने भी धैर्य पूर्वक कोई व्यक्ति जिस सिद्धांत को लेकर संघर्ष प्रारंभ करता है टिक नहीं पाता, उसको हथेली पर सरसों जमाना चाहिए। क्रांति के बाद कई 5 दिन में, 7 दिन में या 5 घंटे में फल मिलना चाहिए, ऐसे कोई क्रांति आती है क्या, उसी ऐसे व्यक्तियों के समर्थक कोई उधर भग जाता है, कोई उधर हो ही गया। इसका अर्थ क्या हुआ, सबसे बड़ा भीषण प्रहार हुआ वैज्ञानिक युग का, वैज्ञानिक युग माने वेद विहीन वैज्ञानिक युग का सबसे भीषण प्रभाव यह हुआ कि मनुष्य को अभ्युदय निश्चयस दोनों मार्ग से च्युत कर दिया वैज्ञानिक आविष्कारों ने। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है, मैं पंचदशी का आश्रय लेकर कुछ दिव्य तथ्य यहाँ ख्यापित करना चाहता हूँ। सावधान, धैर्य की पराकाष्ठा हो तब कैवल्य मोक्ष कोई चाहे, धैर्य की पराकाष्ठा, अहमस्मि यह बुद्धि भी नहीं रहेगी कैवल्य मोक्ष होने पर, विदेह मोक्ष होने पर, क्योंकि वह अहम टिकेगा नहीं, जब सुषुप्ति में अहम बुद्धि की पहुँच रही है तो कैवल्य मोक्ष में कहाँ पहुँच हो सकती है। धैर्य की पराकाष्ठा, उससे किंचित न्यून धैर्य हो तो सायुज्य मोक्ष की सहिष्णुता आती है, उससे भी कुछ कम धैर्य हो तो सामीप्य सारूप्य सालोक्य मोक्ष की सहिष्णुता आती है, उससे भी कम धैर्य हो तो स्वर्ग की सहिष्णुता आती है, उससे भी कम धैर्य हो तो यावत जीवन या जब तक जीवित रहें, आज जीवन जब तक है तब तक संयम पूर्वक रहें तो सुख मिलेगा, या इस समय तप कर लें भविष्य में वो तप जो है सुख देगा।